This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की मैं generalized reading करने जा रही हूँ Sagittarius यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए for August 2020. ये reading एक generalized reading है. ये आपके साथ resonate हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. और ये reading आपके साथ partially resonate हो सकती है, completely resonate हो सकती है. तो आपको यदि अपने पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में जानना है या आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो आप मेरे साथ अपनी एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाइए. वो रीडिंग आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बुक करवा सकते हैं. ईमेल आईडी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो मेरा नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर फ्लैश होगा. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. सो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरी रीडिंग से अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए. सो लेट्स चेक द एनर्जी फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए फॉर ऑगस्ट 2020. व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ सैजिटेरियस पीपल फॉर August 2020, धनु राशि वाले लोगों के लिए August 2020 क्या लेकर आ रहा है. लेट्स चेक व्हाट आर द एनर्जीज फॉर सैजिटेरियस पीपल फॉर August 2020. व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ सैजिटेरियस पीपल फॉर August 2020. व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ सैजिटेरियस पीपल फॉर August 2020. तीन ही कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं. सैजिटेरियस पीपल, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है. कोई अंदर से अवेकनिंग हुई है. बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट कार्ड है. डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है. आपने अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किया है लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स इन्वॉल्व है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स या तो कोई मेल में आपके फादर, आपके ब्रदर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई लाइफ पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं. आप बेपरवाह हो गए हैं, आपको अब किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा. आप जिस पाथ पर हैं आप उस पाथ में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं. आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है जो मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है. वो ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से आई है कि आपको अंदर से कोई अवेकनिंग हुई है. चाहे वो अवेकनिंग आपके इस किंग ऑफ वॉन्ड्स ने आपको दी है लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छी एक अवेकनिंग हुई है, एक डिवाइन अवेकनिंग हुई है. आपकी तरफ कोई डेफिनेटली, ये इंसान आपके फादर या ब्रदर नहीं है, ये इंसान आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप या फिर आपका कोई बॉस है या आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके लिए पेंटिकल्स लाइक फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी लेकर आया है. जिनके लिए ये फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी लव की अपॉर्चुनिटी है. डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी सामने से ऑफर हुई है, आपको कोई प्रपोजल ऑफर हुआ है, आपको कोई बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई है. आपके आप जिस चीज़ के बारे में ड्रीम करते थे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है. और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुई है कि आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है. डेफिनेटली आपने अपने ऊपर काम किया है. वो इनर वर्क बाय हीलिंग किया है, बाय मेडिटेशन किया है. वो हर किसी की स्टोरी अलग अलग होगी लेकिन आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है उसका रीज़न भी यहाँ है. आपके साथ किसी ने चीट किया है. चीट ऐसे नहीं किया है, आपको किसी ने इस तरह का धोखा दिया है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया. आपको एक ऑप्शन बनाकर रखा गया, आपको इस तरह से रखा गया कि आपको क्रॉस रोड्स पे खड़ा कर दिया गया. आप चूज़ नहीं कर पाए कि किस डायरेक्शन को जाना है बट इस इंसान के आने की वजह से आपने वो डायरेक्शन चूज़ कर ली.
आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्ट्री हो रही थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था, और जब पता लगा तब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचे हैं। ये आपके पास्ट के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको कोई चीट कर रहा था, चाहे वो फाइनेंसेस में था, चाहे वो करियर में था, चाहे वो लव लाइफ में था, आपको कोई इंसान डेफिनेटली चीट कर रहा दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत अच्छा हुआ वो आपको एक ट्रिगर मिला है। अच्छा मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप सोचोगे कि अगर हमें कोई चीट कर रहा है तो आप कह रहे हो अच्छा हुआ। वो अच्छा इस वजह से हुआ है कि आप अपने सेल्फ लव को समझ सके, आप समझ सके कि आपकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। वो अच्छा इस वजह से हुआ। और जिस पाथ पर अब आप चल रहे हैं ना, तीन कार्ड्स इनफ थे आपकी पूरी स्टोरी बताने के लिए। ये तो पास्ट के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस एनर्जी से निकल गए होंगे। आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, डेफिनेटली उस बैलेंस तक नहीं पहुंचे आप, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तक पहुंच गए हैं जहां पर आप केयर फ्री होकर चल सकते हैं, जहां पर आपको नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अभी आपको अपने ऊपर काम और भी करने की ज़रूरत है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी भी आगे करने की ज़रूरत है। तो सैजिटेरियस धनु राशि वाले लोग अच्छे पाथ पर चल रहे हैं, अच्छी लाइफ की तरफ को बढ़ रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज आपकी ख़राब है, लेकिन ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर एनर्जी सही होती हैं। आप इस स्टेज पर आ गए हैं, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, ब्यूटिफुली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ब्यूटिफुल, इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट मी चेक ओरेकल कार्ड्स की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। What are the energies for Sagittarius people for August 2020? Sagittarius लोगों के लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए Oracle cards की energy क्या कहती है? Oracle cards की energy धनु राशि वाले लोगों के लिए अगस्त के महीने के लिए क्या है? What are the energies for Sagittarius people for August 2020? I'll pick up random cards. See, the bottom of the deck is confidence is your key to success. New moon in Leo. आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, उस पर confidently move करते जाइए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और energy क्या कह रही है? Conclusions are within reach. आप, मैंने बोला ना, आपने अपने ऊपर काम तो किया है, लेकिन आपने अपने ऊपर कम्प्लीटली काम कर लिया है ऐसा नहीं है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आपने 40-50% काम कर लिया है, रास्ता आपने सही चूज़ किया है, गुड गुड फॉर यू। लेकिन अभी आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं। कंक्लूजन्स तक आप तब पहुंचेंगे जब आप इसी रास्ते को आगे की तरफ को आप लेकर जाएंगे, इसी रास्ते पर आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस से बढ़ेंगे, सक्सेस आपके पास डेफिनेटली आएगी। आप जिस भी डायरेक्शन की बात कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता आपने सही चूज़ किया है। लेकिन आप इस रास्ते पर अभी, आप ये मत सोचिए कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है। आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आपके अंदर ही सब कुछ है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। जिस कॉन्फिडेंस से आप मूव कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। वेरी गुड, दिस इज टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब टाइम रिलीज का है, छोड़ दीजिए, दुनिया को दीजिए। आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप कुछ आगे से मिलेगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वेरी ब्यूटीफुल, न्यू मून इन लिब्रा। जो लोग ये लव रीडिंग की टाइप में देख रहे हैं, लव के रिगार्ड में देख रहे हैं, उनके लिए नया साइकिल शुरू हो रहा है, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल, आपने रास्ता सही चूज किया है सैजिटेरियस, ब्यूटीफुल। लेट मी चेक कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से? What are the messages for Sagittarius people? Sagittarius लोगों के लिए क्या message है angels की तरफ से?
फॉर अगस्त 2020 में सैजिटेरियस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं? व्हाट आर द मैसेजेस? चार कार्ड, सी ब्यूटीफुल कार्ड्स, हाँ, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है पहला, बॉटम ऑफ द डेक जर्नलिंग है, बर्थ का कार्ड सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड इज क्लासेस, फोर्थ इज एजेंट और मैनेजर। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये कार्ड देखिए, योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग अबंडेंस, आप अबंडेंस की तरफ को मूव कर रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ को मूव कर रहे हैं, आपका पाथ बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको नेचर ब्लेस कर रही है कि इस तरह से आपको फील होगा कि आपका नया जन्म हुआ है, न्यू लाइफ सच एज अ बेबी, एन आइडिया, हैप्पी न्यूज और एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ब्लॉसम्स विद इन एंड अराउंड यू, आपकी तरफ को नई अपॉर्चुनिटी, वो मैंने आपके पिछले कार्ड में भी बताया था, वो आ रही है, आपको ऐसे लग रहा है मेरी लाइफ एक नए तरीके से स्टार्ट हुई है, न्यू लाइफ हैज बिगन, आप अभी तक सीखते जा रहे हैं और आप आगे भी सीखेंगे इस पाथ पर, बिकॉज अभी ये आपका पाथ कंप्लीट नहीं है, आप आगे की तरफ मूव करते जाइए, नए नए लेसन्स आपकी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, और ये नेचर आपको हेल्प कर रही है इस चीज के लिए, अपने आप को खोलिए, योर वर्क एक्सपैंड इट्स रीच एज योर पार्टनर विद अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करें, वो आपके लिए एजेंट का काम करेंगे, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ये भी नेचर आपके लिए सेंड कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक पे है जर्नलिंग, कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग एंड एक्टिविटीज स्टर्स क्रिएटिव आइडियाज एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, सी वहां पे भी कॉन्फिडेंस का कार्ड था, आपको अपने जो आपके साथ पास्ट में हुआ, किसी ने चीट किया, किसी ने डिसीट किया, किसी ने बैकस्टैब किया, जो भी किया किसी ने आपके साथ, आप उस चीज को अकेले में बैठकर समझिए कि क्या हुआ था, वैसी गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश मत कीजिए, लोगों के ऊपर उस तरह से फेट मत कीजिए, आपने जो अपने ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आपने ये रास्ता चूज किया, आप उसकी उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, आप लिखिए उस चीज़ को, डायरी राइटिंग कीजिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या किस टाइम पे क्या चीज़ गलत हुई। सो मैं एक चीज़ और चेक करती हूँ, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, आपको ये काम जो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसमें आगे की तरफ मूव करते हुए क्या काम कैसे काम करना है, मोड ऑफ एक्शन कैसे करना है, आपको क्या काम करना है आगे की तरफ सैजिटेरियस, लेट मी चेक दैट फॉर यू, ओके लेट मी चेक, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर सैजिटेरियस पीपल इन अगस्त 2020, धनुराशि वाले लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं उसमें आगे की तरफ को कैसे काम करें, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन, mode of action for Sagittarius people, mode of action for Sagittarius people, Sagittarius people के लिए mode of action कैसा होना चाहिए, okay, see, the cross, भगवान पे विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस का कार्ड आ रहा है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाइए, अपने आप को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए कि जो रास्ता हमने चूज किया वो रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, हमें आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए, एंड बी अ जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब ये सिर्फ मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, मेल्स की बात नहीं कर रही, फीमेल के लिए भी ये चीज़ है कि जेंटलमैन का मतलब यहाँ पे ये रिजेंबल कर रहा है कि आप जेंटली काम कीजिए, आप लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं बॉदर मत कीजिए, आपने जो रास्ता चूज किया है आप उस रास्ते की तरफ बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़िए, लोग क्या करते हैं उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लोगों को देखने नहीं आए, लोग अपना जो कर्मा है वो खुद फेस करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी तरफ देखने के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी तरफ को सोचने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या वो हमारे साथ कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा या करूँगी, डोंट थिंक अबाउट इट, आप बहुत अच्छे पाथ पर चले हैं, आप अपना देखिए, आपको दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
सो जो की वर्ड्स मैं बोलूँगी इस रीडिंग के, वो ये चीज़ आ जाती है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका जो पाथ आपने चूज़ किया वो बहुत ब्यूटीफुल पाथ है, आपने वाइस चॉइस की है, लेकिन उस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उस काम को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते रहिए, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। सो आई होप जो सजिटेरियस वाले लोग हैं, धनुराशि वाले लोग हैं, उनको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू फॉर दैट। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।